सीएम ओपी चौटाला को लेकर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला को आज सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सजा का ऐलान किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति केस में वो दोषी साबित हो चुके और अब बस सजा का इंतजार है। कोर्ट ने 21 मई को ओपी चौटाला को दोषी ठहराया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओपी चौटाला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में वो दोषी करार किए जा चुके हैं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला को आज सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। और इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये सामने आ रही है कि कोर्ट में सजा पर बहस भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कोर्ट ने 21 मई को ओपी चौटाला को दोषी ठहराया था और अब सजा पर बहस शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी साबित हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ओपी चौटाला को क्या कुछ सजा मिलती है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सजा पर बहस भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए हैं ओपी चौटाला। सजा पर बहस भी राउस एवेन्यू कोर्ट में शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इनेलो के लिए बड़ा झटका। और इस फैसले का हरियाणा की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो आज हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला मुश्किलों में है। आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी है। आपको बताते चले कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज सजा सुनाएगी। इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है। चौटाला को 21 मई को दोषी करार दिया गया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ 106 गवाह पेश किए थे। पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने साल 2005 में मामला दर्ज किया था और इसके बाद 2010 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 को ओपी चौटाला का बयान दर्ज हुआ था। सीबीआई ने चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। आज ओपी चौटाला के मामले को लेकर ही हम चर्चा करेंगे और पूरे मामले को आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू जी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और न्यूज रूम से मेरे साथ हमारे रिपोर्टर सुशील सिंह भी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अब ओपी चौटाला दोषी तो करार दिए गए हैं और आज सजा पर बहस भी शुरू हो चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, अदालत आज उन्होंने अपना फैसला क्या है वो सुनाना है। और मैं पूरी अपनी पार्टी की तरफ से ये आपको विश्वास भरोसा और सभी को प्रदेशवासियों का तो मानेंगे और उसके ऊपर अच्छे से अमल करने का भी कार्य करेंगे। जिस प्रकार से पहले ही चौटाला साहब जो है तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा उन्होंने बड़े ही अच्छे आचरण के साथ अपनी पूरी करने का काम किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा मैडम, जैसे जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक महापुरुष के रूप में माने गए, पिक्चर को 10 साल की सजा हुई और बड़े उन्होंने इत्मीनान के साथ और कानून की पालना करते हुए उन्होंने उस सजा को पूरा करने का काम किया। और जो वो बाहर आ गए उसके बाद उनका 2018 में जान दर्ज होते हैं और दोबारा से फिर उनको उसी लाइन में खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे अनुपुर जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के निवासियों को बताना चाहूंगा कि 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती और 5 अप्रैल 2005 को ही करण दलाल के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ता है।
केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है, और अप्रैल 2005 में ही अपने जो दलाल साहब हैं उसके मकान पर छापा पड़ता है सीबीआई का, और उस छापे में वो लिस्ट जैसा कि स्टेटमेंट दिया 3-4 दिन पहले ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा है, और ये स्टेटमेंट करण दलाल जी का ही मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे घर में छापा पड़ता है, ईडी की रेड होती है, और उसमें वो लिस्ट जो हमने तैयार कर रखी थी कांग्रेस के कई नेताओं ने जिनके उसके ऊपर चार्ज करें, वो सीबीआई के हाथों में लग जाती है। अब ये जी, यहाँ लेकिन पर यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो कोर्ट का फैसला है ना सर, और कोर्ट कोई भी फैसला लेता है तो सबूत सबूतों के आधार पर लेता है, तथ्यों के आधार पर लेता है, आप इसे राजनीतिक साजिश कैसे बता सकते हैं? नहीं हाँ मैडम, मैं वही बताना चाहता हूँ, ये इत्तेफाक की बात कैसे मान लूं मैं कि इत्तेफाक से हो गया है ये कि 5 में सरकार बनती है, तो कांग्रेस के नेता लोग 4 सीट तैयार करते हैं और वो करण दलाल के घर पर रखी जाती है ताकि हम गवर्नर को सौंप देंगे, लेकिन उसी टाइम इसी दौरान मीनवाइल जो है ना वहां रेड होती है, और वो ही लिस्ट, वो जो 4 सीट कांग्रेस के नेता ने तैयार की है, वो लिस्ट ही सीबीआई के हाथों में लग जाती है, और उसके बेस के ऊपर सीबीआई जो है ना इस केस को 2006 में दर्ज कर लेती है। तो मैडम ये 2005 और 2006 के बीच का जो ये रहस्य है ना, इसी से ग्रेट मिस्ट्री, यहाँ पर ये जो रहस्य रचा गया है, इससे मैं ये कहता हूँ कि ये संपूर्ण तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था। कोर्ट की बात मैं मानता हूँ अनुपुर जी आपकी, कोर्ट में जो तथ्य पेश किए जाते हैं, जो सबूत पेश किए जाते हैं, कोर्ट उनके आधार पर अपना फैसला देती है, लेकिन जो तथ्य पेश करते हैं, जो तथ्य पेश करते हैं और तथ्य पेश करने वाली जो एजेंसियां होती हैं वो सारी की सारी सरकार की एजेंसी होती है। और आपको ध्यान विदु होगा, रावल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विदु रावल जी, अभी आपने इनेलो प्रवक्ता को सुना, वो तो इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अब ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जो भी फैसला करती है तथ्यों के आधार पर करती है, तो उसमें राजनीतिक साजिश की बात कहां से आ जाती है? विजेंद्र रेडू जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो मजबूरी में हैं, और आज वो शायद डिबेट में भी इस प्रकार से अपने चरित्र के विपरीत आज शायद बिहेव भी इसी प्रकार से करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा ना करें, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं, मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम ये सारी दलीलें क्या कोर्ट के सामने नहीं रखी होंगी? देश के सबसे महंगे महंगे वकीलों की फौज खड़ी करके चौटाला साहब ने पहले भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन कोर्टों ने उनको कन्विक्ट किया, एक नहीं दो नहीं तीन तीन कोर्टों ने उनको 10 साल की सजा दी थी, तिहाड़ में 10 साल बिता कर आए, और एक एक भी कोर्ट ने एक दिन भी सजा कम नहीं की। आमतौर पर फांसी पाया हुआ व्यक्ति जब नीचे तक आता है तो उसकी सजा केवल 2 साल रह जाती है, लेकिन यहां एक भी कोर्ट ने इतने इतने पुख्ता सबूत थे कि एक भी कोर्ट ने नहीं की। और फिर इनका कहना राजनीतिक साजिश, तो राजनीतिक साजिश की जहां तक बात है, और फिर ये कहते हैं मिस्ट्री, मैं मिस्ट्री सॉल्व कर देता हूं। आपने ये सारी बात जो है कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने आपकी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया, कोर्ट ने निर्णय दिया। देखिए इस देश की न्याय व्यवस्था पर तो यकीन करेंगे ना, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ आज ये बात कह रहा हूं, पीड़ा इस बात की है कि हमारे हरियाणा के अंदर केवल 2 ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला जी, और दोनों पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप, और चौटाला साहब पर साबित हो गए हैं, हुड्डा साहब पर साबित होने वाले हैं, लेकिन ये किस प्रकार जनता को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि जी ये तो राजनीतिक साजिश थी। क्या राजनीतिक साजिश के तहत कोई किसी के को कितनी संपत्ति कर देता है? और मैं आज बड़े दुख में हूँ क्योंकि वयोवृद्ध नेता है ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं बड़े पीड़ा के अंदर ये बात। नूपुर जी आप बहुत जल्दी में लग रही हैं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे बोलिए, मैं कर लूँ अपनी बात, या आप आगे जाना चाहती हैं? जी बोलिए। चलिए तो मैं ये कहना मैं ये इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते मैं बहुत पीड़ा में हूँ आज कि मेरे मुख्यमंत्री, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रकार से पहले 10 साल जो है वो जेल में काट के आए, और इनेलो वाले साथी का कहना है कि बड़े इत्मीनान से काटे, तो क्या जेल में भी उनसे उद्धम मचवाना चाहते थे? मुझे दुख इस बात का है कि वो आज 86-87 साल के हैं, वो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति, उनको कहां तो जो है अपना अंतिम समय जो है संन्यास में निकालना था। और मुझे याद है मैं छोटा होता था जब चौटाला साहब की सरकार थी, उन्होंने एक बार पेपर मिल ग्राउंड में एक बहुत बात कही थी, मेरे आज तक ध्यान में है, मेरे आज तक स्मरण में रह गई। उन्होंने कहा था कि जब तक जीवित रहूंगा राज करूंगा, और हुआ क्या,
कि कुछ ही साल के बाद पहले वो तिहाड़ में गए, अभी एक साल भी नहीं हुआ तिहाड़ से बाहर आए, अब फिर तैयारी हो गई। ये बड़ा दुख देने वाली बात है। हरियाणा की जनता क्या सोचती है अपने राजनीतिज्ञों के बारे में, यही कारण है। और मैं अंतिम आपके कह रहा हूँ, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। सर अभी हम इनेलो क्रक्ता का जवाब सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर इसे राजनीतिक साजिश बताया है। वो कह रहे तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सब कुछ राजनीतिक साजिश है। देखिए अगर राजनीतिक साजिश होती तो फिर दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में इंक्वायरी क्यों होती, और दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में जो प्रीवियस जो मुद्दा था जिसकी ये अभी बात भी कर रहे थे अर्जुन रावल जी, जो उस समय जेबीटी की भर्ती हुई थी उसकी लिस्टें चेंज कर दी थी, और लिस्टें चेंज करने वाले जो आईएएस अफसर थे उनको भी 10 साल की सजा हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ उसमें घपला किया था। तो ये तो साजिश कहां थी, खुद ही काम करते हैं और खुद ही साजिश बताते हैं। दूसरी बात, विदुर रावल जी बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जो थे उस समय हमें बड़ा दुख आ रहा है, पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा इनको तब क्यों नहीं हुई जिस समय ये उनके साथ साझीदार थे, जब वो घोटाला हो रहा था टीचर भर्ती का, उस समय क्यों नहीं इनको दुख हुआ, उस समय ये पार्टी के साथीदार क्यों बने हुए? पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात होती तो हम ऐसे लोगों के साथ चिमटे के साथ भी जवाब लेने रावल साहब ने। हम इनके साथ आईएनएलडी वाले ए दल थे, सुनिए आईएनएलडी वाले ए दल थे और बीजेपी वाले बी दल थे उस समय, और बी दल जो था वो साझीदार बना रहा। क्यों साझीदार बना रहा? साझीदार इसलिए बना रहा क्योंकि सत्ता की मलाई चाटनी थी इन लोगों ने, इसीलिए साझीदार बना रहा है। और अभी जो कहते हैं हमें पीड़ा हो रही है, पीड़ा इनको होगी क्योंकि इनको मलाई उस समय टीचर भर्ती के मामले में उन्होंने दी नहीं, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। ठीक है, आज की डेट में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लगातार आज मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा हूं। न्यूज़रूम से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब आपको क्या लगता है कानून के मुताबिक ओपी चौटाला को कितनी अधिकतम सजा हो सकती है, और जो भी सजा होगी सुशील उसका हरियाणा की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर नुपुर, देखिए जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि इस पूरे प्रकरण में आय से अधिक संपत्ति का जब मसला चलता है तो उसका आधार जो होता है वो ये होता है कि जब से जिस कार्यकाल के दौरान आरोप लगे हैं आय से अधिक संपत्ति का, यानी उतने दिनों में लीगली तरीके से कितना धन कमाया गया और इलीगल तरीके से कितना धन कमाया गया, उन दोनों का जो अंतर है वो आधार होता है आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाने का। तो ये जो लगा है 6.09 करोड़ का आरोप है आय से अधिक संपत्ति का, जिसमें 3.68 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया था, और आज गिल्टी, पहले गिल्टी साबित होने के बाद आज इसमें फैसले का की घड़ी है। माना जाएगा कि आज सजा का ऐलान होगा, कितने सालों की हो रहा है, और जो इसमें न्यूनतम सजा है वो 4 साल माना जाता है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 4 साल की न्यूनतम सजा है और अधिकतम सजा 10 साल की है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से जो अधिवक्ता हैं हर्ष कुमार, वो लगातार दलील पेश कर रहे हैं और खुद पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट रूम में मौजूद हैं, व्हील चेयर पे अंदर हैं और अंदर बैठे हैं, वो सुन रहे हैं सारी बातों को और दलील उनके तरफ से दिया जा रहा है। अब देखना है कि कितनी सजा का ऐलान होता है। जहां तक देखिए उम्र और राजनीति की बात आप कर रही हैं, अभी आज भी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज भी चौटाला साहब ने अपने कार्यकर्ताओं से बैठक की है और इसके बाद भी निरंतर बैठकें हो रही हैं। यानी सबको पता है, जितने इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, उन सबको पता है कि इसमें सजा का ऐलान होना है और इस सजा को किस तरह से संगठन को मजबूती के साथ जोड़ा जाए और किस तरह से संगठन मजबूत हो उसको लेकर निरंतर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जी विजेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र जी, अब कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो तो अब से थोड़ी देर बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल टूटता है, क्योंकि अभी वो जेल से बाहर आए, अब दोबारा जेल जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है सर? हाँ नूपुर जी, देखिए अग्नि में तप करके सोना बन जाता है और हम ये पहले भुगत चुके, ओम प्रकाश जी चौटाला काट चुके हैं, प्रदान करने का कार्य करेगा। हमें दुख जो अवश्य होगा इस बात का कि हमारे नेता को अगर जो सजा होगी जितनी भी, लेकिन इस दुख में हम हौसला नहीं तोड़ेंगे बल्कि और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और हम अपने इन साथियों को इस बात का सबूत भी और प्रमाण भी देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से ये हमारे साथी
बड़ी प्रसन्नता के साथ घड़ियालू घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं और अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपर से घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं कि हमें बहुत दुख है। अरे दुख नहीं, तुम तो लड्डू बांटने की जैसी बातें करते हो, और बांटना अच्छी बात है, बांटो खाओ लड्डू खाओ अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमारा हमारी पार्टी नूपुर जी बड़ी मजबूत है और इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, प्रदेशवासियों को बताने का प्रयास किया है, जो 2005 और 6 के बीच का जो रहस्य है वास्तव में वहाँ। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोर्ट में सब कुछ डिस्कस हो चुका है और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मैंने पहले ही कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मानते हैं और सम्माननीय है, और कोर्ट जो है कभी गलती नहीं करती है, लेकिन कोर्ट जो फैसला देती है नूपुर जी वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर देती है, और तथ्य और सबूत पेश करती है सरकार की एजेंसियां, और सरकार की एजेंसियां सरकार के अनुसार तथ्यों को मोड़ने और तोड़ने में। लेकिन वो सरकार की एजेंसियां नहीं है ना, वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपनी जांच करती है। सीबीआई को आप सरकार की एजेंसी बताना चाह रहे हैं? मैडम जी आपने खुद सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट में सुना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि सीबीआई तोते की तरह काम ना करे, अपना काम स्वयं करे, ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रेशर में होते ही होते हैं मैडम, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहते हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि उस टाइम हमें पता नहीं था, चलो मान लिया है इसकी बात को, मैं बड़ी मानता हूँ कि उस टाइम इनको 2004 में पता नहीं था कि किस प्रकार से 332 डेब्यूटीज का सिलेक्शन किया जा रहा है। दे वर टोटली अनोन अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये राइट आई एम एग्री विद इट, बट आज तो पता है ना, आज तो पता है। उस टाइम तो जो साथी थे जो राज को चला रहे थे, आज भी वही इस राज को चला रहे हैं, उन्हीं के सारे आज भी राज चल रहे हैं। ठीक है विदुर रावल जी, और ये मेरे साथी कह रहे थे कि मलाई खानी थी, अरे मलाई आज भी उसमें के सारे खा रहे हैं ये लोग। ठीक है विदुर रावल जी से जवाब ले लेते हैं। जी विदुर रावल जी अपनी बात रखिए। मैं विजेंद्र जी का बहुत सम्मान करता हूं और आज की डिबेट को भूलकर आज के बाद भी सम्मान करता रहूंगा। देखिए जब उनके घर में मातम मना है तो हम लड्डू नहीं बांट सकते, हमारे घर में दिवाली नहीं हो सकती, लेकिन ये मातम जो बना है, मैं सोच रहा था कि अगर विजेंद्र रेड्डी जी की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं तुरंत ऐसी पार्टी को छोड़ देता, मैं कतई अपने अपराधी नेता का बचाव ना करता। और मैं आज ये ऑनलाइन कह रहा हूं, इस ये आज के बाद भी ये रिकॉर्ड की चीज है, कभी इस तरह की भगवान ना करे ऐसी व्यवस्था कोई बने, इस प्रकार की परिस्थिति बने तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। देखिए हमारी प्रतिबद्धता क्या है, हम क्या केवल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम राजनीतिक जीवन में क्यों आए, एक विधु रावल राजनीतिक जीवन में क्यों आया, एक विजेंद्र रेड्डी या केवल ढींगड़ा किस लिए आया, ताकि अपने चोर उच्चक्के लुटेरे नेताओं का बचाव करें। और मुझे श्रद्धा देने वाले, मुझे प्रेरणा देने वाले श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। 1998 की एक बात है नूपुर जी, बहुत जल्दी आप अपनी बात पूरी करूंगा, बीच में मत टोकिएगा। 1998 की सरकार थी, केवल एक वोट से गिर गई थी, केवल एक वोट से, और वो वोट भी फर्जी था। एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री बन चुके थे, गिरधर गमांग की बात कर रहा हूं मैं, उड़ीसा के, उनको वोट डालने दिया गया था जबकि वो सदस्य नहीं रहे थे। लेकिन उस समय अटल जी ने एक बात कही थी जो मेरे लिए आज भी प्रेरणा का काम करती है, कि देखिए अगर इस प्रकार की सत्ता प्राप्त करनी हो तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि बाजार में सामान बहुत था, बिकने के लिए सामान बहुत पड़ा था, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिला। इस प्रकार की सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। ये बात मेरे अंदर सिहरन पैदा करती है। और नूपुर जी अंतिम मेरा वाक्य ये है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि आज इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे साथी जो हैं वो थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखाएंगे, थोड़ा अफसोस जताएंगे, और नहीं तो वो जो है आज सत्य के साथ खड़े होंगे। वो जो दलील दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे। वो तो ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसी ने ये सबूत दिए वो सबूत दिए। जब तक बियॉन्ड डाउट नहीं होता तब तक कोई गिल्टी नहीं होता। 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे बट नॉट वन इनोसेंट विल बी पनिश्ड। ये भारत का क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, यानी बियॉन्ड डाउट ये प्रूव हुआ। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ केवल जी के लिए, सिर्फ अंतिम बात, इसके बाद मुझे ना बुलाइएगा बेशक। केवल जी हम सत्ता में नहीं थे, हमने एक गठबंधन की सरकार तो बनाई थी, लेकिन हमारे 6 के 6 विधायक में कोई भी सरकार में नहीं था।